नमस्ते, तृप्ति दवे, आर्टिस्ट, मैं आर्किटेक्ट अहमदाबाद से हूँ और आज मैं आपकी मुलाकात बहुत एक अच्छे सहज इंसान है और सहज आर्टिस्ट है और बहुत अच्छे आर्किटेक्ट है और उसका सालों का तजुर्बा लेके हमारे अहमदाबाद में शो कर रहे हैं और शो में इतने सारे रंग और वो देख के मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आई वेलकम मिस्टर आशीष भट्टाचार्य जी। थैंक यू सो मच तृप्ति जी। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि मैं हमें बॉर्न आर्टिस्ट, बट जैसे जैसे जीवन बढ़ता रहा, पता नहीं कहाँ से कला की तरफ मेरा झुकाव रुझान बढ़ता गया। हर वक्त पता नहीं कैसे कुछ भी तरह से बढ़ते बढ़ते जब मैंने सोचा कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा, तो फिर मैंने देखा आर्टिस्ट न बन कर कि मैं इसमें ज़्यादा कोई परेशानी होगी पेंटिंग्स करके, तो मैंने आर्किटेक्चर जो कि एक आर्ट का ही एक अंग है, अप्लाइड आर्ट है, तो मैं आर्किटेक्चर को अपना प्रोफेशन बनाया। और मुझे शुरुआत में 1974 में हमको जो मैंने स्कल्पचर बनाया वो मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड मुझे मिला था। उसके बाद गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने हमारा आर्ट को सिलेक्ट किया और हमारा प्रदर्शनी जो है गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में सबसे पहले हुआ। वहाँ पर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल ने मुझे अवार्ड दिया और प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी आई क्रिएटिव वर्क से रूबरी हुई, प्रशंसा किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमारा जो जर्नी जो है आर्किटेक्चर के तरफ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ, बट उसके साथ हर वक्त एक आर्ट संलग्न रहता था। करते करते हमारा जर्नी इतना व्यस्त हो गया कि मुझे आर्ट के तरफ इतना इच्छा होने के बाद भी, इतना रुझान होने के बाद भी मेरे पास समय नहीं मिलता था। फिर भी स्केचेस करना मेरा जारी रखा था। इत्तेफाक से मेरा कैंसर हो गया और वो भी थर्ड स्टेज कैंसर। बहुत डिप्रेशन तो हुआ, वो सिर्फ एक दिन के लिए मैंने सीमित किया। ऑपरेशन के बाद, अस्पताल आने के बाद मैंने सोचा, आर्ट के बारे में सोचा, मेरे पास कुछ कागज़ से शुरू कर दिया, प्रिस्क्रिप्शन के पीछे से स्केचेस करने करते करते हमने जब मेरे प्राइवेट वार्ड में मैंने अपना आर्ट स्टूडियो एक हिसाब से बना लिया और वहाँ पर मैंने स्केचिंग करना शुरू कर दिया और मेरा सबसे पहला स्केच जो है यहाँ से शुरू हुआ। ये हमारा पहला, जब हमारा कैंसर हुआ था उस वक्त मैं बिल्कुल मूक था, किसी का अपना दर्द नहीं बोल सकता था, सिर फटता था कि मैं जी पाऊँगा या नहीं जी पाऊँगा। इस विडम्बना ने मुझे कुछ ऐसा कर्तव्य विमूढ़ बना दिया कि मैं समझ नहीं पाया क्या करूं, तो मैंने ब्रश और पेंट करना शुरू कर दिया और ये जादू हुआ मेरे साथ। ब्रश और पेंट मेरे जीवन में अद्भुत चेंज लाया, जो कि मैं पूरा डिप्रेशंस, नेगेटिविटी पूरा भूल करके दिन रात इसी में लगा रहा। इत्तेफाक से उसी वक्त हमारा एक बहुत बड़ा नेशनल कंपटीशन था एमपी टूरिज्म का, जो कि 14.5 करोड़ का था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा था और उसी वक्त मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं बहुत खुश तो था बट मेरे लिए जाना संभव नहीं था, तो मैंने अपने आर्किटेक्ट्स को भोपाल से पूना बुला लिया। तीन आर्किटेक्ट्स मिल करके वहाँ पर काम करते रहे, मैं बेड में काम करता रहा। खैर, वहाँ से जर्नी जब शुरू हुआ आर्किटेक्चर का, मैं पेंटिंग को कभी बंद नहीं किया। पेंटिंग में जितना अर्थनाद है, जितना हमको जो इसका जो व्यथा जो है, वो जो अनुभव किया, वो मुझसे रहा नहीं गया। उसको मैं अपने पेंट और ब्रश के आधार में हमने कैनवस में उकेर लिया और वो पेंट से हमारे इमोशंस और भी बढ़ता गया और धीरे धीरे पेंटिंग के प्रति और भी आकृष्ट होते चला गया। इस तरह से आपका पेंटिंग में दिखेगा कि कई प्रकार के आर्तनाद जो है, इवन जो अफगानिस्तान के टाइम में जो हुआ था उसमें, जिस वक्त जो है लोग मरना नहीं चाहते थे, तो वो एक अद्भुत सा प्रतिक्रिया जो है मेरे दिलो दिमाग को छाए हुए था, उसको मैंने पेंटिंग में। इसके अलावा हमारा कोविड के टाइम में मेरा 3 बार कोविड हो गया था सीरियस। उस वक्त भी ऐसा सिचुएशन हो गया कि मैं क्या करूं, तो उस वक्त मेरा दवाई तो ठीक है अपनी जगह काम किया, बट पेंटिंग और पेंट
ये जो चीज़ है मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा इतना बड़ा काम किया, मैं पॉजिटिव बन के पेंटिंग करा और पूरा हमारा दुख दर्द कोविड का जो परेशानी है, मेरे से कोई नहीं मिलने आता था, तो यही मैं उसको दोस्त बना लिया। कोविड का कारण से, नेगेटिविटी के कारण से मुझे पॉजिटिविटी मिला, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। आउट ऑफ एडवर्सिटी आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, आई क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। सो मेरा पेंटिंग पूरा जारी रहा, आज भी वही है, आज भी मेरा अभ्यास है। आर्किटेक्चर 10 से 6 बजे तक करता हूँ, उसके पहले सुबह 7:30 बजे से लेकर के पेंटिंग करता हूँ, फिर शाम को फिर 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक पेंटिंग करता हूँ। यही मेरा जर्नी है और अंत तक मैं ऐसा ही करता रहूँगा। और प्रश्न है कि आप आर्किटेक्ट हैं और आप आर्टिस्ट भी हैं, तो आप किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, टेक्निक को या आर्ट को या कंपोजिशन को, या क्या है? टेक्निक एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो आजकल टेक्निक पे ज़्यादा जाते हैं लोग, तो आप क्या सोचते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में? देखिए मैं ऐसा कोई और एनी टेक्निक इज़ इम्पोर्टेंट या आर्ट इज़ इम्पोर्टेंट? आजकल टेक्निक के हिसाब से आर्ट करने वाले बहुत कम हो गए हैं क्योंकि टेक्निक यूज़ कर देते हैं, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज है? सर ऐसा था, एक तो मुझे आर्किटेक्ट होने के बाद भी मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कौन सा स्विच से कौन सा चीज़ चलेगा, कंप्यूटर से क्या चलेगा, तो मुझे तो टेक्निक कोई चाहे कोई भी हो, चाहे पेंटिंग का जो टेक्निक है, जब आप कोई पेंटिंग को करते 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 अपने आप अंदर से एक रुझान होता है, तो टेक्निक जो है प्रैक्टिस करते करते वो टेक्निक अपने आप खुद का बनता है। किसी दूसरा का नकल करके टेक्निक करने से वो टेक्निक में वो बात नहीं रहती है। प्रैक्टिस करके और अपना भावनाओं को रंगों के साथ, टेक्सचर के साथ, अलग अलग ब्रश हो, चाहे स्पैचुला हो, चाहे नाइफ हो, चाहे कोई भी चीज़ों से अपना टेक्निक खुद डेवलप करें। और ये मेरा सोचना है कि टेक्निक और भावनाएं और आर्टिस्ट का जो भी आपका कैलिबर है, ये सब मिलकर एक चीज़ बनता है। हम किसी को प्रायोरिटी से टेक्निक पहला है क्या, इमोशंस पहला है कि पेंटिंग का कॉन्सेप्ट पहला है कि कंपोजिशन पहला है, मैं उसको इस हिसाब से विच्छेद नहीं कर सकता हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं सब मिलकर के जब हम काम को करते हैं, हमारा दिलो दिमाग से हमारे आप अपने आप ही वो करता चला जाता है, तो उसके मैं किसी से गाइडेड नहीं होता हूँ, ये मैं चाहता हूँ। मैं ही अपना दोस्त हूँ, मैं ही बहन हूँ, भाई हूँ, माँ हूँ, बाप हूँ, मैं अपने माँ, मेरे से कोई रिस्ट्रिक्ट, मैं बिल्कुल बदना नहीं चाहता हूँ, मैं एक फ्री बर्ड होना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ अपने मर्जी से। वंडरफुल टॉकिंग विद आशीष भट्टाचार्य जी, वेरी फेमस एंड एमिनेंट आर्किटेक्ट एंड आर्टिस्ट फ्रॉम भोपाल। थैंक यू।